दोस्तों ये है हमारी धरती जो कि आज ब्लू प्लैनेट के नाम से जानी जाती है, बट जल्द ही ये रियलिटी बदलने वाली है क्योंकि अर्थ जल्द ही कंप्लीटली ग्रीन प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि नेचर जर्नल में पब्लिश्ड ये आर्टिकल इस बात की ओर इशारा करता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक गुड न्यूज है क्योंकि ग्रीनरी तो हमें पसंद है, पर नहीं, क्योंकि पृथ्वी के ओशियंस का इस तरह कंप्लीटली ग्रीन होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और इससे हमारा अर्थ पर सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है, जिसके बाद हमारे पास केवल दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो अर्थ को छोड़कर चले जाओ या फिर इसी के साथ दम तोड़ दो। पर आखिर पृथ्वी के ओशियंस ग्रीन क्यों हो रहे हैं और आखिर इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतना बड़ा खतरा क्यों है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों पिछले 20 सालों में पृथ्वी के आधे से ज्यादा ओशियंस ग्रीन हो चुके हैं और इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अब दोस्तों पृथ्वी के आधे से ज्यादा ओशियंस का रंग बदलना कोई मजाक की बात नहीं है, ये एरिया पृथ्वी के सरफेस के टोटल लैंड मास से भी ज्यादा है। अब इंटरनेट पर ऐसी कई सारी इमेजेस वायरल हो रही है जिसमें हम समुद्र में ग्रीन कलर को साफ साफ देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये बदलाव ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और शायद इसका सबसे बड़ा रीजन इन एरियाज में तेजी से बढ़ता एवरेज टेम्परेचर है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि क्या पृथ्वी के ओशंस के बदलते रंग रूप के पीछे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का ही हाथ है या फिर यहाँ पर कुछ दूसरे फैक्टर्स भी छिपे हुए हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि ये कैसे हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है और ये हमारे लिए इतना बड़ा कंसर्न क्यों कहा जा रहा है। वेल, दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ओशियंस के ग्रीन कलर के बारे में ज्ञान दूं, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये ओशियन ब्लू होते ही क्यों है। अब यार जब हम कांच के ग्लास में पानी रखते हैं तब तो पानी ब्लू नहीं दिखाई देता और चलो इसमें नमक भी डाल देते हैं फिर भी ये दूर दूर तक ब्लू कलर का नजर नहीं आता। दरअसल देखो, पानी का कलर ना ब्लू होता ही नहीं है और ना ही ओशियंस ब्लू कलर के होते हैं। इस दुनिया में रंग भरती है लाइट और कोई भी ऑब्जेक्ट वही रंग दिखाता है जो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। कहने का मतलब यह है कि भाई ओशियन वाटर ब्लू कलर को छोड़कर सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आपने विबग्योर के बारे में तो जरूर सुना ही होगा जो लाइट रेज में मौजूद 7 कलर्स के बारे में बताता है। अब ये महज 7 कलर्स नहीं होते हैं बल्कि 7 अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती है। वायलेट, इंडिगो और ब्लू जैसे कलर्स की वेवलेंथ काफी छोटी होती है तो वहीं पर ऑरेंज और रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मानी जाती है। अब ओशियन में ना सिर्फ पानी ही नहीं होता बल्कि यहाँ पर इम्प्योरिटीज भी भर भर के होती है। ओवरऑल हम इंसान जितना भी गंदा पानी फैला रहे हैं वो पानी एंड में जाकर तो ओशियंस में ही मिलता जा रहा है। अब इन ओशियंस के सरफेस पर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स अपनी छोटी साइज के कारण लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को नहीं रोक पाते और ये सारे कलर्स पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये वायलेट, इंडिगो और ब्लू जैसे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देती है जिनका कॉम्बिनेशन हमें पानी के कलर में नजर आता है। अब दोस्तों ये तो बात हुई ओशन के ब्लू कलर की, पर इनका रंग ग्रीन क्यों होता जा रहा है? वेल, इसे जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1880 से पृथ्वी का टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.08 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। साथ ही साथ साल 1981 के बाद से टेम्परेचर बढ़ने का ये रेट डबल से भी ज्यादा हो चुका है और अब पृथ्वी का टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.16 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। अब ये नंबर सुनने में ना आपको बहुत ही कम लग रहा होगा, पर ओवर द ईयर्स ये पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म करता जा रहा है। अब एक एस्टिमेट के अनुसार आने वाले 80 सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ इंसानों का जिंदा रह पाना भी मुश्किल हो जाने वाला है। अब चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेशी क्यों ना हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सारे देश अचानक बाढ़ आ जाने या फिर अचानक से बहुत सूखा पड़ जाने जैसी प्रॉब्लम से हर साल जूझ ही रहे हैं और भाई पूरी दुनिया का भी यही हाल है। IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट बताती है कि साल 2030 तक धरती की 15 मेजर सिटीज इंक्रीजिंग सी लेवल के कारण पानी में डूब जाने वाली है और साल 2050 तक भारत की कई मेजर कोस्टल सिटीज का भी यही हाल होने वाला है। अब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के ये प्रभाव सिर्फ जमीन पर ही नहीं हो रहे बल्कि अब पानी के अंदर भी दिखने शुरू हो चुके हैं। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी के समुद्रों में फाइटोप्लैंक्टन नाम के माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स पाए जाते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की एटलीस्ट 50% ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करते हैं।
अब जिस तरह पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं ना, ठीक वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स भी सेम सेम करते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशियन वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और अल्टीमेटली ओशियन में सन रेज ज्यादा एंटर कर रही है। अब जैसा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बदलकर ऑक्सीजन बनता है और इस दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। अब यही एनर्जी इन फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए खाने का काम करती है। अब ज्यादा सनलाइट यानी कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस और ज्यादा एनर्जी की अवेलेबिलिटी, अब इस कारण से फाइटोप्लैंक्टन्स ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं और ओशियन में उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ जाती है। अब क्योंकि इन फाइटोप्लैंक्टन्स में क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, तो शायद यही ग्रीन पिगमेंट पृथ्वी के बदलते ओशियन कलर का रीजन भी हो सकता है। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई इससे तो हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वो उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी इंक्रीज होगी। पर फाइटोप्लैंक्टन्स सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले जीवों को भी बढ़ा रहे हैं। देखो, समुद्र में रहने वाली फिशेस अपने खाने के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स पर ही डिपेंडेंट होती है और जब उनका खाना पर्याप्त मात्रा में होगा तो फिशेस का रिप्रोडक्शन रेट भी तेजी से बढ़ता जाएगा। अब ये मरीन इकोसिस्टम में एक सडन चेंज लेकर आ जाएगा जिसका इफेक्ट्स इंसानों के लिए बहुत ही डेंजरस होने वाला है। हालांकि दोस्तों, इन ग्रीन कलर के पीछे एक रीजन और भी हो सकता है जो फाइटोप्लैंक्टन्स की बढ़ती पॉपुलेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। वेल, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एल्गल ब्लूम की। इसका सीधा सा मतलब ओशियंस की अपर सरफेस पर एल्गी की पॉपुलेशन का इंक्रीज होना है। लेकिन ये एल्गी अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं? वेल, इसका रीजन छिपा है यूट्रोफिकेशन नाम के एक प्रोसेस में। ये बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर बॉडी के अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की अबंडेंस हो जाती है और एल्गी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस पर जमा हो जाती है और एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन करती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पानी में अचानक से इतने मिनरल्स कैसे बढ़ रहे हैं? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, ये वर्ड्स आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, पर इनके पीछे का कारण नेगेटिव भी हो सकता है। दरअसल ये मिनरल्स पानी में इम्प्योरिटीज के मिलने के कारण आते हैं। अब देखो, हमारे नालियों के पानी से लेकर प्लास्टिक और रेडियो एक्टिव वेस्ट तक ये सब कुछ नदियों में मिल रहे हैं और अल्टीमेटली ये नदियां जाकर सीधे ओशियन में ही मिलता है। अब आप समझे ये मिनरल्स कहां से आ रहे हैं। लेकिन ये एल्गल ब्लूम आखिर मरीन लाइफ पर क्या ही इफेक्ट डाल रही है? तो दोस्तों, जब एल्गल ब्लूम ओशन के सरफेस पर एक लेयर बना देती है ना, तो ये ओशन की सरफेस के नीचे जाने वाली सनलाइट को बिल्कुल कट ऑफ करने लगती है। अब जब पानी के अंदर सनलाइट की कमी होगी तो फाइटोप्लैंक्टन्स एनर्जी नहीं बना पाएंगे और उनकी पॉपुलेशन तेजी से कम होती जाएगी। और जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा, फिशेस की पॉपुलेशन फाइटोप्लैंक्टन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इस सिनेरियो में फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ साथ फिशेस की पॉपुलेशन भी डिक्रीज होगी। एल्गल ब्लूम मरीन एनिमल्स के ये ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत कम कर देगा, जिससे समुद्र के नीचे का इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और सारे जीव धीरे धीरे घुटकर मरने लगेंगे। ये ना सिर्फ मरीन लाइफ को इफेक्ट करने वाला है, बल्कि इससे जुड़ी हमारी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करेगा और वो लाखों लोग जो इन इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है ना, वो अपनी नौकरियां खो बैठेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर फिशेस नहीं होगी तो फिशरमैन और उनसे जुड़े करोड़ों वर्कर्स के पास एम्प्लॉयमेंट का कोई भी साधन नहीं बचेगा, खाने की कमी होगी और फूड साइकिल पर गहरा असर पड़ेगा। अब ओशन की सरफेस पर एल्गल ब्लूम के लेयर के कारण वाटर ट्रांसपोर्ट भी चौपट हो जाएगा और हमें इसका अल्टरनेटिव फाइंड करना होगा। एल्गल ब्लूम इवेपोरेशन की प्रोसेस को भी इफेक्ट करेगी और पृथ्वी पर रेनफॉल का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, उस सिचुएशन को आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। कम बारिश हमारी एग्रीकल्चर को बर्बाद कर देगी और जो वेजिटेरियंस लोग अभी तक फिशेस की खत्म होती पॉपुलेशन के बारे में सुनकर खुश हो रहे थे ना, उनके लिए भी खाना नहीं बचेगा। अब देखो, आसान भाषा में समझाया जाए तो यहाँ पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह होने वाला है। फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन कम होने से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारा सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पूरा डूम्स डे वाला सीन चल रहा है और इसका अंजाम पृथ्वी पर जिंदगी का अंत कर सकता है। यानी कि सोच सकते हो, पानी का ये हरा रंग इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि ये हमारी जान भी ले सकता है। हालांकि अभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक फिलहाल तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। पृथ्वी के ओशन के बदलते रंग रूप के पीछे का एग्जैक्ट रीजन अभी भी अननोन है। अब हालांकि जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को इसका पॉसिबल रीजन माना जा रहा है, लेकिन इसके क्लियर एविडेंसेस फाइंड करने के लिए हमें अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है।
समुद्र में रहने वाले वो जीव जिन्हें हम देखते तक नहीं है और जिनके बारे में शायद ही हमने कभी सुना होगा, वो हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आज आप ये समझ चुके होंगे। अब इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के ओशंस के चेंजिंग कलर्स का रीजन फाइंड करने के लिए हमें टोटल 40 साल तक ओशंस की डीप मॉनिटरिंग करनी होगी और अलग अलग फैक्टर्स के ट्रेंड्स को प्रॉपरली समझना होगा। अब देखो, फाइटोप्लैंकटन्स की पॉपुलेशन भी ओशंस में लगातार बदलती रहती है और पिछले सालों में हम कोई पैटर्न एस्टैब्लिश नहीं कर सके हैं कि इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि अलग अलग सैटेलाइट्स भी कलर चेंजेस को डिफरेंट वे में मेजर करती है और इनके वेरिएबल रिजल्ट्स को देखते हुए हम इनके डेटा को कंबाइन नहीं कर सकते। तो देखो भाई लोग, आखिर में सवाल यह आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन है पेस, यानी कि प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। 9 जनवरी 2024 को नासा इस सैटेलाइट को स्पेस में भेजने वाली है जो पृथ्वी पे ओशन से जुड़ा डेटा कलेक्ट करेगी। देखो, अब तक के लिए तो ये मिस्ट्री अनसॉल्व ही रहने वाली है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि क्या हम इंसान इस पहेली को सुलझा पाएंगे और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ओशियंस के ग्रीन कलर में बदलने का असली कारण क्या होगा, फाइटोप्लैंकटन्स की कमी या फिर एल्गी का तेजी से बढ़ना। वैसे तो ये दोनों ही सिनेरियोस बहुत ही डेंजरस है, लेकिन इन दोनों में से आखिर कौन सा सिनेरियो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।